हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन जारी होते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाता है, जिससे कि समय रहते आप लोग आवेदन कर सकें। आर्मी पब्लिक स्कूल से शिक्षक भर्ती का नया एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, जिसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सैलरी इसमें 34,800 से लेकर 56,000 तक रहने वाली है। अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, जहां पर एनटीटी वाले आवेदन कर सकते हैं। पीआरटी टीचर्स की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत बीटीसी बीएसटीसी वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जहां पर बीएड वाले आवेदन कर पाएंगे, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, यदि आपने मास्टर डिग्री किसी सब्जेक्ट में की है। जो भी विज्ञापन में आप लोगों को दिखाई दे, तो बिल्कुल पोस्ट में वैकेंसी आई हुई है। यदि आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया है, तो प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का अगर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री है, तो पीआरटी के लिए आवेदन करें। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए बीएड वाले आवेदन कर पाएंगे, और पीजीटी के लिए यदि आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है। बाकी जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में देखेंगे, कैसे जो है आप लोग अप्लाई करेंगे। सभी पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए हैं। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे। एपीएस जोधपुर राजस्थान से जो वैकेंसी है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है आपको। यहाँ नजर आएगा आपको लेफ्ट साइड में रिक्रूटमेंट, चेक हियर फॉर करंट ओपनिंग, रीड मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। ये पेज रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म दिए हैं। जैसे कि 12 अगस्त 2024 को एप्लीकेशन फॉर्म प्री प्राइमरी विंग्स टीचर्स के लिए है। उसके बाद जो है एडमिन स्टाफ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, विज्ञापन दिया हुआ है, और 1 to 12 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबसे फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग है। 4th नंबर पर है पूरा विज्ञापन। 11 सितंबर लास्ट डेट है। 11 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक जो है आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में इंग्लिश और मैथ्स की वैकेंसी है। तो मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में आपका इंग्लिश या मैथ्स में हो। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स बीएड वाले आवेदन कर पाएंगे, इंग्लिश की वैकेंसी है केवल। इसमें आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई जरूर होना चाहिए। पीआरटी के लिए वैकेंसी है डांस में। प्री प्राइमरी टीचर्स में ऑल सब्जेक्ट में वैकेंसी है। एक्टिविटी टीचर्स प्री प्राइमरी विंग्स के लिए, स्पेशल एजुकेटर प्री प्राइमरी विंग्स के लिए। तो इसमें आपने प्री प्राइमरी लेवल का डिप्लोमा डिग्री कोई भी किया है, जैसे एनटीटी है। ठीक है, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन में 12th आपकी साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए, और साथ में कंप्यूटर का कोई भी आपके पास 1 ईयर का अगर डिप्लोमा है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साइंस लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री और ऑल लैब्स के लिए, तो इसमें 12th आपकी साइंस साइड से ही होनी चाहिए। एमटीएस की वैकेंसी है, तो इसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगते हैं, 10th या 12th जो है आपकी जरूरी है। गार्डनर की वैकेंसी है, प्री प्राइमरी विंग्स आया की वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ 8th पास मांगा जाता है आर्मी स्कूल में। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है apsjodhpur.com। इसी में जो है चेक अंडर रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना है। अभी मैंने आपको बताया ही था, एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल इन द स्कूल ऑफिस ऑन कैश पेमेंट ऑफ 250 ऑन ऑल वर्किंग डेज। आपको जो है यहाँ पर 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2024 तक आवेदन मांगे जा रहे हैं। 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है प्रिंसिपल एपीएस जोधपुर के नाम से, और लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके अपने डॉक्यूमेंट के साथ में आपको भेजना है।
लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 11 सितंबर 2024 है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, फिर डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी आपको लगा देनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आप लोगों को ईमेल या टेलीफोन से सूचित किया जाएगा, यानी परीक्षा नहीं है, ईमेल या टेलीफोन के द्वारा जो है आप लोगों को बताया जाएगा इंटरव्यू की डेट। ठीक है, तो बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो कि अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके दिखा देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचर क्लास 1 to 12, इसी पर क्लिक कर लेते हैं। किस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये है एप्लीकेशन फॉर्म टीचिंग स्टाफ के लिए, तो इसी में ही है पीजीटी टीजीटी पीआरटी के लिए। ठीक है, ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करना है। और आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर नियर फॉल डिपोट अजमेर रोड जोधपुर राजस्थान 342015, एनवलप के ऊपर ये पूरा एड्रेस आपको लिखना होगा। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर वैकेंसी है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। दोबारा से आपको बता देते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लेफ्ट साइड में आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर रिक्रूटमेंट। ठीक है, बस इसी पर आप लोग क्लिक कर लेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी पीआरटी पीजीटी के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए सेकंड नंबर पर मिल जाएगा, एडमिन स्टाफ के लिए थर्ड नंबर पर मिलेगा। ठीक है, और भी राज्यों की वैकेंसी जैसे ही आती है आप लोगों को लास्ट डेट से पहले सूचित किया जाएगा। थैंक यू।